गाइस स्किप ना करें क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही खास वीडियो है। तो वीडियो में गाइस बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना ताकि आप लोगों का प्यार देख के मेरा घर जाने का मन ना करे। सो हे गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं और मेरे अब्बू मिर्ज़ापुर में रहते थे और मेरे अब्बू अभी मुझे छोड़ के बिहार जाने वाले हैं और मैं अकेले रहने वाला हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं आपको फर्स्ट ब्लॉग पे मैं बताया था कि मैं बिहार से रहने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं ट्रेन थोड़ी लेट है क्योंकि टाइम 7:20 का ट्रेन का था, तो अभी 9:30 बजे आने वाली है ट्रेन। तो ट्रेन आने के बाद फिर मैं आपको अपने अब्बू को दिखाऊँगा सीट पर बैठाने के बाद। जब तक के लिए गाइस मेरे वीडियो पर बने रहें। जैसे कि देख सकते हैं मेरे ये चाचू हैं और ये रहे मेरे अब्बू और ये एक दूसरे वाले चाचू हैं। और मेरे अब्बू घर के लिए लेके जा रहे हैं साइकिल के लिए क्योंकि मेरे छोटे भाई के साइकिल में ये लगने वाला है, तो यहाँ थोड़ा कम बजट में मिल जाता है क्योंकि होलसेल। ये मेरा छोटा भाई और ये भी मुझे छोड़ के घर जा रहा है। इसको मैं बोल रहा था कि तू मत जाओ लेकिन ये भी जा रहा है। तो क्या बताएँ गाइस, आज मैं बहुत सैड हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि अपने अब्बू के पास नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि उनका फेस देख रहा हूँ तो मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी घर जाऊँ। लेकिन अभी थोड़ा सिचुएशन ख़राब है इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसीलिए मैं गाइस घर नहीं जा सकता अभी। थोड़ा मेरा अभी इधर काम है तो इसीलिए अब्बू अकेले जा रहे हैं। अब्बू मेरे को बोल रहे थे कि चलो साथ में घर, लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पे काम सीखने आया हूँ तो इसलिए मैं इधर जो काम करता हूँ तो अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी ट्रेनिंग मेरा चल रहा है काम का, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब्बू घर जा रहे हैं, इधर रेलवे स्टेशन पर आया था उनको गाड़ी पर बैठाने आया हूँ, तो छोड़ने के लिए आया था। तो मुझे ट्रेन जैसे देख रहा हूँ ट्रेन, तो मुझे भी इधर रहा नहीं जा रहा, मन कह रहा है कि मैं भी साथ में ही चले जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, मैं रहूँगा नहीं क्योंकि मेरे अब्बू मेरे फेस को देख के ऐसा सोच रहे कि मेरा बेटा रो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सैड हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा दूर दूर रह रहा हूँ। तो ट्रेन अभी तक आई नहीं है और ट्रेन पे चढ़ाऊँगा अब्बू को, फिर उसके बाद ट्रेन पे चढ़ाने के बाद उन लोगों को सीट वीट बता देने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से जहाँ पर रहता हूँ। तो इधर लिफ्ट लगाया अभी मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर नया नया, तो पिछले ब्लॉग पर मैं आपको दिखाया था। तो अभी मैं लिफ्ट के ऊपर चढ़ रहा हूँ ऐसे क्योंकि थोड़ा अभी लेट है ट्रेन, तो सोचा घूम फिर लूँ, इसलिए अभी मैं लिफ्ट के ऊपर हूँ, मैं और कौशल भाई। कौशल भाई को तो पहचानते होंगे कि दो वीडियो पे आपको दिखाए थे कौशल भाई को, तो वो दो वीडियो पे कौशल भाई सुंदरघाट पे और मिर्ज़ापुर पे आए थे लेने के लिए इन्हीं को, तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाया था रेलवे स्टेशन का, तो इनको लेने आया था। तो ये भी आज साथ में आया अब्बू को छोड़ने के लिए। तो गाइस देखें, ये था मिर्ज़ापुर का कुछ खास रेलवे स्टेशन का जगह जो आपको। तो वीडियो का गाइस बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना ताकि आप लोगों का प्यार देख के मेरा घर जाने का मन ना करे। जैसे कि देख सकते हैं ये चढ़ने वाली लिफ्ट है, लेकिन मैं इसी से ही उतरूँगा। देखा गाइस ये कला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस ऊपर चढ़ने वाले सीढ़ी से ही हम लोग उतर रहे हैं। मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए। उल्टा चल रहा है यार, मेरे को लग रहा है कि ये इधर जाए, मतलब उल्टा रहे ऐसा कुछ भी, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। मैं तो फिर भी कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो देख भी नहीं पा रहा ये सिर्फ अपने पैर की तरफ देख रहा है। अरे भाई चल चुका हूँ पसंद से, फिर भी जाके नहीं पूछ पा रहा हूँ और कितना है भाई। तो गाइस आप लोगों को भी मजा आया ना तो कमेंट में जरूर बताना गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा ट्रिक जो लिफ्ट में मैंने चढ़ा था ऊपर। ये देखो फाइनली पहुंच गए। कौशल भाई को आप देख सकते हैं, इसका फेस एकदम रेड रेड हो गया जब से उतर रहे थे। तो
गाइस हम दोनों इधर थोड़ा मस्ती करने आए थे, थोड़ा टाइम पास करने, ताकि लेट थी ट्रेन तो टाइम पास हो गया। तो अब हम फिर से जा रहे हैं अभी अपने अब्बू के पास, क्योंकि वो कहीं लेट हो जाए तो फिर फ़ोन ना कर दे कि कहाँ हो कहाँ गए हो, तो इसीलिए वो परेशान हो जाएंगे। तो फिर से हम जा रहे हैं अपने अब्बू के ही पास। तो गाइस मेरे वीडियो पे आप ट्रेन आने वाली है और अब्बू को चढ़ाएंगे ट्रेन के ऊपर, फिर उसका डब्बे आपको दिखाएंगे हम, जब फिर अब्बू के साथ थोड़ी वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारी वीडियो क्लोज हो जाएगी। लेकिन अभी जब तक बने रहे वीडियो, और वीडियो को गाइस स्किप ना करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही खास वीडियो है। अभी हम थोड़ा 3 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर आए थे। इस साइड प्लेटफॉर्म में ज़्यादा लोग हैं नहीं, खाली खाली सा प्लेटफॉर्म है, जैसे लग रहा है इधर ट्रेन आती नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर की साइड सब लोग बैठे हुए हैं। तो कौशल भाई बोले कि चलो उधर से थोड़ा घूम लें, और इधर आए थे घूमने, तो इधर देख रहे कि पूरी स्टेशन ही खाली खाली सी पड़ी हुई है, 1-2 लोग बस इधर बैठे हैं। मेरे अब्बू लोग अभी भी वहीं बैठे हैं। तो अब ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में, ट्रेन काफ़ी लेट थी, तो ये लोग देखिए गेम खेल रहे हैं, ये कैरम खेल रहे हैं। अभी गाड़ी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब ट्रेन आने वाली है, बहुत ही नज़दीक है, और 5-10 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर होगी ट्रेन, फिर आपको हम ट्रेन के अंदर की दिखाएंगे। ये बहुत खुश हो रहा है क्योंकि ये घर जाने वाला है, देख रहे हो उसके मुँह पे खुशी। ट्रेन आने वाली है और मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, वो लोग घर जा रहे हैं। तो गाइस यही ट्रेन है, अब स्टेशन पे आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है, अब अब्बू को ट्रेन पे बैठाने वाली है। ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है ट्रेन, यहाँ पे बहुत ही 1 मिनट की टाइम है। यहाँ ट्रेन के अंदर आपको दिखा नहीं सका क्योंकि अंदर लाइट अंधेरा था, तो लाइट बंद था, तो इसलिए अंदर नहीं दिखा पाया। तो यहाँ पे ज़्यादा देर में ट्रेन रुकती भी नहीं है, तो ट्रेन खुल चुकी है, देखिए आप, आपको मैं अभी जस्ट दिखाया कि रुकी हुई थी, अब खुल चुकी है, अब हम लोग तीनों लोग जा रहे हैं रूम की ओर। तो गाइस फिर यहाँ हम वीडियो यहीं पे करते हैं क्लोज, और फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।